दोस्तों नमस्कार। नल जल को लेकर के काफ़ी लोग परेशान है, तरह तरह के नल जल में खराबी हो रहा है और जहां तहां लोग विभाग में फोन कर रहा है सुन नहीं रहा है। कई तरह परेशानी की कोई कमी नहीं है, कहीं पैसा की दिक्कत है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो कहीं नल जल टूट फूट गया है, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ परेशानी ही परेशानी पूरे बिहार में नल जल को लेकर के है। इसके लिए माननीय पीएचडी मंत्री जो नीरज कुमार जी हैं, उन्होंने एक टोल फ्री नंबर शेयर किए हैं और व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किए हैं कि किसी भी व्यक्ति को नल जल के संबंधित अगर कोई खबर देना हो, कोई सूचना देना हो, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर या टोल फ्री नंबर पर आप खबर कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं नीरज कुमार जी क्या कह रहा है और कौन सा वह नंबर है, सुनते हैं इनकी बातों को। उसको भी देख रहे थे, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर भी है, टोल फ्री नंबर भी है और पर डे वहाँ आदमी रहता है जो शिकायत को नोट करता है, कितना शिकायत आया, कितना डिस्पोजल हुआ, हमारे पास सारा डाटा है। हम डाटा रखे हुए, वैसे हम आपके चैनल को भी बता देना चाहते हैं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, हमारा टोल फ्री नंबर क्या है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8544-29024, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे जो भी शिकायत आएगा हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और एक हमारा टोल फ्री नंबर भी है, टोल फ्री नंबर है 1800-123-1121। मैं आपको रिटर्न में भी दे रहा हूँ, अखबार में भी आप छाप दीजिएगा, मुझे लगता है कि काफी लोगों को फायदा मिलेगा। और इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास रहता है कि पर डे कितना शिकायत आता है और उसमें से कितने शिकायत का समाधान हुआ, वो मेरे पास ये देखिए पूरा डाटा मैं मंगाया हूँ। आप चाहेंगे तो मैं आपको डाटा दे दूंगा। तो विभाग पूरी तरह मुस्तैद है कि हम शुद्ध नल का जल पहुँचाए। तो आपने सुने पीएचडी मंत्री से टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि बिहार में हर जगह जो है इसकी जानकारी सभी लोगों के पास पहुंच जाए और सभी लोगों को नल का जल जो है शुद्ध मिल सके। चलिए मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस तरह की जानकारी जो है हम बराबर अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। हम मेरे चैनल पर जो भी खबर मिलेगा सबसे ज़्यादा खबर नल जल संबंधित मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय अनुरक्षक।